फ्रेंड्स, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक है वो यही है कि पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए और उसके बाद आप गोल के लिए एक अपना एग्जीक्यूशन प्लान डिसाइड करिए और डेली उसके लिए एक्शन लीजिए, और साथ ही साथ आप बिलीफ सिस्टम डेवलप करिए कि आपका ये बिलीफ है, आप उसे पा लेंगे। और जब भी आप अपने गोल्स के बारे में सोचें तो आप उस तरह से सोचें कि आप उन्हें पहले ही अचीव कर चुके हैं। इससे आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपकी बॉडी में कुछ ऐसे वाइब्रेशंस पैदा होंगे जिससे आप उस गोल को अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो चीज़ बताऊंगी वो ये है कि क्या चीज़ है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है और आप चीज़ों को और जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हो। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रेयर करना। अगर आप प्रे करते हो और दिल से किसी चीज़ के लिए मांगते हो और साथ ही साथ उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करते हो तो ज़रूर ही वो चीज़ आपको मिल जाती है। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन की हैबिट से आपका माइंड रिलैक्स रहता है और फोकस्ड होकर आप अपने काम को कर पाते हो और इसीलिए आपका गोल अचीव करने का जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा पावरफुल बना देती है वो है आप रिलैक्स करिए। अगर आप रिलैक्स करते हैं तो आपका माइंड काम स्टेट में रहता है और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाता है और आप चीज़ों को जो आपका गोल्स है उन्हें बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर पाते हैं। फास्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप फास्ट करते हो तो आपकी बॉडी जो होती है उससे सारे टॉक्सिक जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और आपकी एनर्जी जो होती है वो फिर से रिजुविनेट हो जाती है। तो उसकी वजह से भी, फास्टिंग की वजह से भी, आप जो आपके गोल हैं उसे आप जल्दी से पा लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ज़रूर ही आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी और नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप अच्छा ही सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो यही आपकी हैबिट बन जाएगी। हालांकि हमारा माइंड जो होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो नेगेटिव की तरह ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपना एक हैबिट बना लेंगे, अपना एक कोर बना लेंगे और साथ ही साथ आपका के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अच्छे से काम कर पाएगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल नगेट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू।